good day to all my flowers i dr rajesh kumar inviting you in the textual content part second from first flight chapter third this chapter has been divided into two parts his first flight by liam o flaherty तो पार्ट फर्स्ट के टेक्चुअल कंटेंट में हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट्स का पहला पार्ट किया था आइए सेकंड पार्ट के टेक्चुअल कंटेंट को माइन्यूटली करते हैं उम्मीद रखता हूं आप ध्यान से सुनेंगे मैंने प्रत्येक पार्ट के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उन लिंक्स को ओपन कीजिए और पूरे चैप्टर का टेक्चुअल कंटेंट देखिए और अपनी लाइफ बनाइए तो आइए बिगनिंग करते हैं ट वॉज ट्वेंटी फोर आवर्ज अगो चौबीस घंटे पहले की बात थी सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम तब से कोई भी उसके समीप नहीं आया था किसके समीप शीगल के समीप द डे बिफोर ऑल डे long he had watched his parents flying about with his brothers and sister perfecting them in the art of flight teaching them how to skim the waves and how to dive for fish उस दिन से पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ान भरते हुए देख लिया था वो माता पिता उड़ान भरने की कला में अपने बच्चों को ब्रैदर्ज और सिस्टर परफेक्ट बना रहे थे परफेक्ट मीन्स उनको सही दिशा निर्देश दे रहे थे उनको उपयुक्त बना रहे थे टिचिंग डैम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश माता पिता उन बच्चों को सिखा रहे थे शिक्षा दे रहे थे कि कैसे लहरों पे स्कीम करना है और मछली को पकड़ने के लिए कैसे डाइव करना है पानी में भी डाइव किया जाता है यहाँ लहरों से इसका संबंध है तो आइए स्कीम का मीनिंग जान लेते हैं टू मू लाइटली जस्ट अबाउ ऑ साफिस हियर द सी समुद्र की तल्हैट समुद्र का यहाँ पर सर्फिस दिखाया है साफिस मीन्स सतह उस सतह के ऊपर लाइटली थोड़ा सा ऊपर लाइटली मुँह करना हल्का सा मुँह करना ये स्कीम होता है तो देखिए यहाँ पर हम इसके साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जहाँ तक कि हमने स्टडी की है फीस तक देखिए यहाँ पर हेड के साथ कम लगा है इसके बाद आप देख सकते हैं यहां भी ही हैड डियर फॉलोअर्ज हैड प्लस वर्फ की थर्ड फॉर्म कम वर्फ की फर्स्ट फॉर्म केम सेकंड और कम थर्ड हैड प्लस वर्फ की थर्ड फॉर्म आप यहां पहचान सकते हो यह कौन सा टेंस है यह पास्ट पॉफिक टेंस है पास्ट पॉफिक टेंस की पहचान क्या है जिन वाक्यों के अंत में चुका था चुके थे चुकी थी लिया था दिया था इत्यादि आए वह पास्ट पॉफिक टेंस कहलाता है तो टेक्सअल कंटेंट के साथ साथ आप ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को भी देख रहे हो तो यहाँ आगे देखते हैं यहाँ हेड पोस्ट भी आया था इसके साथ साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक और पॉइंट तो आइए आगे बढ़ते हैं ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ऑल्डो ब्रैथ कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड यू वो इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ओ प्राउड क्रैकल सॉरी क्रैकल वास्तव में उसने ही ही किसके लिए सीगल के लिए वास्तव में सीगल ने अपने बड़े भाई को अपना पहला हैरिंग पकड़ते हुए देख लिया था और उसे नोचते हुए देख लिया था डी में डिस्ट्रॉय मैं लिख देता हूं यहां पर रिवो डिस्ट्रॉय डी ई एस टी आर ओ वाई दोबारा लिख देता हूं यहां D -E S T R O Y, destroy, नोचना नष्ट कर देना और यहाँ पर हैरिंग का मीनिंग आप जान सकते हो और सॉफ्ट फिंड शी फिश सॉफ्ट थी समुद्री मछली तो ये इसका पहला शिकार था उसके बड़े भाई का और उसके उसने अपने बड़े भाई को अपने पहले हैरिंग को पकड़ते हुए देख लिया था और इसको नोचते हुए देख लिया था कहाँ खड़ा था ये स्टैंडिंग ऑन अ रॉक एक चट्टान के ऊपर खड़ा था वाहिल हिज फेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल जबकि उसके माता पिता एक गर्वीली कैकल करते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे उन्होंने सर्कल बनाया हुआ था तो यहाँ कैकल का मीनिंग हम जान लेते हैं कैकल होता क्या है कैकल मींच टू मेक To make short sharp sh sound. एस ओ यू एन डी कैकल क्या है छोटी सी तीखी आवाज़ निकालना जैसे पक्षी करते हैं चींची की आवाज़ चाहे चाहते हैं उसको कैकल कहते हैं और कैकल उनकी कैसी थी गर्वीली प्राउड के साथ वो वो कैकल साउंड निकालते हुए वो आवाज़ें चींची की आवाज़ निकालते हुए चक्कर काट रहे थे इसके इर्द गिर्द कल के आगे देखिए एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विद विद हिज डाइस और पूरी सुबह के दौरान सारी प्रातःकाल में पूरा का पूरा परिवार सारी फैमिली जो दूसरी दिशा में चट्टान बनी हुई थी उस चट्टान के मिडवे में आधे रास्ते में एक बड़ा सा पठार था तो उस पठार की ओर वो लाइन करने लगे थे जाने लगे थे और जाते जाते क्या कर रहे थे अपनी हिज हिज किसकी? सीगल की क्वाल उसका कायरपन उसके कायरपन पे ताना मार रहे थे टोंटिंग टोंटिंग मींस आयनिकल रिमार्क टोंटिंग ताना मारना क्योंकि जाते जाते वो क्या कह रहे थे तो कायर है तो कुछ नहीं कर सकता इस तरह से उसको कोसते हुए ताने मारते हुए वो जा रहे थे वहां से प्लायन कर चुके थे द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लैजिंग ऑन हिज लैज दैट फेस्ट द साउथ तो यहाँ देखिए सूर्य सूरज अब आकाश में चढ़ता जा रहा था ब्लैजिंग ऑन द ऑन हिज लैज सूर्य ब्लैजिंग ऑन हिज लैज दैट फेस्ट द साउथ सूर्य उसकी लैज से मैंने पिछले कंटेंट में इसके फर्स्ट पार्ट में बतलाया था लैज क्या होता है और लैज के साथ साथ मैंने ब्रिंक बतलाया था जहाँ पे स्लोप पे वो एक चट्टान के ऊपर सीगल बैठा हुआ था वो उसका लैज था और वहाँ से उसको दर्शाया गया था यहाँ उसकी लैज से जो लैज किस तरफ पड़ती थी दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण की ओर उसका फेस था सूर्य चमक रहा था सूरज की तेज धूप थी और सूरज आकाश में चढ़ता जा रहा था नाउ अब असेंडिंग क्या है चढ़ना और डिसेंडिंग उतरना ही फेल्ट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल ही यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही किसके लिए यूज किया गया है शीगल के लिए इस सीगल को गर्मी लगने लगी थी उसे हीट महसूस होने लगी थी बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल पिछली रात घिर आने से उसने कुछ नहीं खाया हुआ था ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज वन आई देन द अदर एंड pretended टू बी falling ए स्लिप वह सीगल ही यहां भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन उसने लेज के ब्रिंक पर धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपनी दूसरी टांग को अपने पंख में छिपाते हुए एक टांग के बल खड़ा होने लगा ही क्लोज वन आई देन अपनी एक आंख बंद की फिर दूसरी आंख बंद की एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप और उसने नींद आने का बहाना किया रिटेंडेड मींच बहाना करना जैसे कोई सो नहीं रहा हो और दिखा रहा हो कि मुझे नींद आ रही है तो इसने अपनी आंखें बंद करके सोने का बहाना किया स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम अब तक उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था दे दे का मीनिंग यहाँ पे कौन है दे में सभी आ गए सीकल के माता पिता उसके भाई और उसकी एक बहन ही saw हिज टू brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद their हैड्स संक इन टू necks. उसने अपने दोनों भाइयों को और अपनी एक बहन को उस प्लेटू के ऊपर अपने सरों को अपनी गर्दनों में छुपाए हुए ऊंगते हुए देख लिया था डॉजिंग डॉजिंग मिंच ऊँगना नींद में हम ऊंगते हैं ना तो यह सभी पक्षी उसके भाई बहन नींद में घ रहे थे हिज फादर वॉज प्रिनिंग हिज वाइट बैक उस सीगल के पिताजी अपने सफेद पीठ पर जो फैदो बने हुए थे उन फैदों को मेंटेन कर रहे थे प्रीनिंग प्रिनिंग का मीनिंग यहां देखिए मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फैदज अपने फायदज को सॉफ्ट सॉफ्ट फायदा होते हैं पक्षी के कोमल से फ़ायदा पंखों को जब वो फ्लैपिंग नहीं कर रहे होते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट सा उनका बॉडी होता है तो उस उन फैदर को वो मेंटेन करने का प्रयास कर रहे थे ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम केवल सीगल की माताजी, सीगल की माँ सीगल की ओर देख रही थी यहाँ पर आप देख सकते हो यह कौन सा टेंस है वोज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर मैं सर्कल में कर देता हूँ फ्लावर्स यहाँ आप पहचान कर सकते हो यह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग और बहुवचन के साथ वर्क का प्रयोग यहाँ सीगल एक वचन है सीगल की माँ सिंगुलर है हिज मदर यहा एक ही का यूज किया गया है इसलिए बोझ लगाया है अगर पेरेंट्स होते मदर फादर होते तो वर लगता ये आप नोटिस में रख सकते हो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटू हर वाइट ब्रेस्ट थ्रेस्ट फॉरवर्ड वह एक छोटी सी ऊंची हम्प जो पठार पर बनी हुई थी प्लेटू पर बनी हुई थी उस पर खड़ी थी उसकी वाइट ब्रेस्ट आगे की ओर थी नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फीस दैट एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड इस साइड ऑफ बीक ऑन द रॉक अब और फिर से उसने मछली के एक टुकड़े को फाड़ डाला डियर की सेकेंड फॉर्म टॉर डियर स्टूडेंट यहां आप पहचान सकते हो वरअ की सेकेंड का प्रयोग किया गया है सिंपल वाक्य में किसी भी जैसे यहाँ सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है प्रोनाउन क्या होता है सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अगर किया जाता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और स्टोरी जो होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है नेटिंग सेंस नेटिव जो होता है वो पास्ट इवेंट्स पे पेस्ट होता है तो ये है स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और बहुत ही अच्छी स्टोरी है हम काफ़ी एलिमेंट्स को साथ लेकर चल रहे हैं तो देखिए आगे दैट ले एट फीट एंड स्क्रैप्ड इज साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक उसने मछली के एक टुकड़े को टॉर किया मतलब फाड़ कर अलग कर दिया जो उसके पाँव में था दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड इज साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक चट्टान पर अपनी चोंच से उसकी प्रत्येक साइड को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया जैसे पक्षी अपने भोजन को खाता है चौंच से उसको स्क्रैप करते हुए इसी तरह से सीगल की मदर सीगल की माँ खा रही थी उसको अलग कर रही थी द साइट ऑफ द फूड मैड हिम भोजन की झलक पड़ते ही वो सीगल पागल होने लगा क्योंकि भूखा था भूख से वो पागल होता जा रहा था हाउ ही लव टू टी अ फूड दैट वे स्क्रैपिंग हीज बीक नाउ एंड अगेन टू वैट इट उसे इस तरह से खाने को टीयर करना खाने को काटना फाड़ना बहुत पसंद था कितना पसंद था बहुत अच्छा लगता था उसे उसने क्या किया अब और फिर से इसको वेट करने के लिए उसने अपनी चोंच से उसको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहा ऐसा करके खाना उसको पसंद था वेट का मीनिंग क्या है टू शार्पन जैसे पक्षी अपनी चोंच को खोलता है अपने भोजन की ओर ललायत होता है वो इस तरह से खाना पसंद करता है ऐसा ही ने किया सो so, हमने पार्ट सेकंड का टैक्सअल कंटेंट किया है और एक्चुअली ये यह पार्ट फर्स्ट है हमारी टेक्स के अकॉर्डिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पार्ट है ये टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग दो पार्ट में विभाजित है उसका एक पार्ट फर्स्ट फ्लाइट है जो लियम ओ फ्लाहर्टी के द्वारा लिखा गया है और इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है यह पार्ट सेकंड टेक्सुअल कंटेंट है आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक एंड सेंड योर कमेंट्स ऑल्सो थैंक्स टू ऑल